बाप रे बाप, इस फोन ने आईफोन की कैमरे की पूरी तरीके से बाट लगा डाली। टॉप 5 बेस्ट अल्टीमेट कैमरा स्मार्टफोन अंडर 1 लाख इन इंडिया 2023। सबसे पहले मैं आपको पावर दिखाता हूँ 1 लाख रुपए के फोन की। सबसे पहले आप देखो 1 लाख रुपए में कितना जूम कर सकते हो, इस बंदे ने कहाँ तक जूम कर दिया आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए 1 लाख रुपए में आपको इतने खतरनाक फोन मिलते हैं। दिन में तो छोड़ो, रात में आप काफी ब्राइट फोटोज को क्लिक कर सकते हो। दिन में तो जलवाई मचा देगा अगर आपका बजट 1 लाख के राउंड है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको 2 फोन के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले सैमसंग गैलेक्सी जी फ्लिप 4। इस फोन का सबसे बड़ा हाईलाइट है आपको फ्लिप जैसा डिजाइन मिलता है। ये फोन फुली वाटरप्रूफ के साथ आता है। कैमरा आपको काफी अच्छा मिलेगा, डिजाइन आपको काफी अच्छा मिलेगा अगर आपको फ्लिप जैसा डिजाइन चाहिए। फिर आता है टेक्नो फैंटम बी फोल्ड, अगर आपको फोल्ड जैसा डिजाइन चाहिए 1 लाख रुपए में। आप इस फोन की तरफ जा सकते हो, पहले ये छोटा सा फोन बन जाता है, खोलने के बाद ये फुल टैबलेट बन जाता है। बात करते हैं आईफोन के बारे में। अगर आपको आईफोन लेना है 1 लाख की प्राइस पॉइंट पे, आप एप्पल आईफोन 14 प्लस की तरफ जा सकते हो। इस आईफोन की प्राइस आपको 75,000 के अराउंड मिलेगी। कैमरा आपको काफी अच्छा मिलेगा, डिजाइन आपको काफी अच्छा मिलेगा। अगर आपको आईफोन लेना है आप इस आईफोन की तरफ जा सकते हो। आप अपने बजट को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, आप एप्पल आईफोन 14 प्रो की तरफ जा सकते हो। इस आईफोन की प्राइस आपको 1,20,000 के अराउंड मिलेगी। 20,000 आपको ज्यादा देने पड़ रहे हैं। बड़े आपको 3 फीचर एकदम नेक्स्ट लेवल के मिलेंगे। सबसे पहले आपको डायनेमिक आइसलैंड का फीचर मिलेगा, जिससे आपको आईफोन को चलाने का मजा एकदम बढ़िया मिलने वाला है। आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो, पहली बार आपको 120Hz की रिफ्रेशिंग रेट मिलेगी। पहली बार आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। हमारे कहने से आप इस आईफोन की तरफ जरूर से जा सकते हो, एप्पल आईफोन 14 प्रो। ये तो बात हो गई आईफोन के बारे में। बात करते हैं 4th नंबर पे आने वाला फ्लैगशिप फोन के बारे में, जो आता है वन प्लस की तरफ से, वन प्लस 11। इस फोन में मेरे को सब कुछ बेसिन गाज लगा, सिर्फ एक चीज है नहीं है, ये फोन वाटर प्रूफ है नहीं है। इसलिए हमने इस फोन को हमारे 4th नंबर पे सिलेक्ट किया है। बढ़ते हैं 3rd नंबर पे आने वाला फ्लैगशिप फोन के बारे में, जो आता है गूगल की तरफ से, गूगल पिक्सल 7 प्रो। इस फोन का कैमरा काफी ज्यादा अच्छा है। कैमरे के लिए आप इस फोन की तरफ जरूर से जा सकते हो, बट आपको परफॉर्मेंस में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इस फोन में आपको टेंसर G2 का प्रोसेसर मिलता है, जिससे आपको परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम मिलेगी अगर आप 1 लाख की प्राइस पॉइंट पे बाकी सारे फोन से कंपेयर करते हो। अगर कोलकॉम का होता काफी अच्छा होता, बाकी सारी चीज एकदम बढ़िया। सॉफ्टवेयर आपको काफी अच्छा मिलेगा अगर आपको एक बेस्ट कैमरा फोन चाहिए, सॉफ्टवेयर आपको अच्छा चाहिए। बढ़ते हैं 2nd नंबर पे आने वाला फ्लैगशिप फोन के बारे में, जो आता है Xiaomi की तरफ से, Xiaomi 13 Pro और Vivo की तरफ से Vivo X90 Pro। दोनों में से आप कोई सा भी परचेस कर सकते हो। दोनों का कैमरा काफी ज्यादा बढ़िया है, सिर्फ आपको 19-20 का अंतर मिलेगा। सबसे पहले दोनों में आपको 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलेगा। दोनों में आपको OIS मिलेगा। Vivo में आपको Zeiss की ब्रांडिंग मिलेगी, जिससे आपको कैमरा की क्वालिटी एकदम बेस्ट इन क्लास मिलेगी। Xiaomi में आपको Leica की ब्रांडिंग मिलेगी। दोनों फोन में आपको 1 इंच का सेंसर मिलेगा। दोनों का कैमरा क्वालिटी आपको एकदम बढ़िया मिलेगी। फाइनली बात करते हैं हमारी लिस्ट पे आने वाला 1st नंबर पे फ्लैगशिप फोन के बारे में, जो आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा और सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा। सबसे पहले दोनों फोन में आपको प्राइस का अंतर मिलेगा। S22 अल्ट्रा की प्राइस आपको 1 लाख रुपए के अराउंड मिलेगी। S23 अल्ट्रा की प्राइस आपको 1,24,000 के अराउंड मिलेगी। दोनों फोन में आपको कैमरे का और परफॉर्मेंस का काफी बड़ा डिफरेंस मिलेगा। अगर आपका बजट का कोई इशू नहीं है, आप सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा की तरफ जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सैमसंग S22 अल्ट्रा में आपको 108 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरे का सेटअप मिलेगा। दूसरी तरफ S23 अल्ट्रा में आपको 200 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरे का सेटअप मिलेगा।
दोनों फोन में काफी बड़ा डिफरेंस है, परफॉर्मेंस में भी आपको डिफरेंस मिलेगा। एक तरफ आपको 8 जेन 1 का प्रोसेसर मिलेगा, दूसरी तरफ आपको 8 जेन 2 का प्रोसेसर मिलेगा। दोनों फोन में आपको एस पेन का सपोर्ट है, आप अपने हिसाब से दोनों में से कोई सा भी परचेज कर सकते हो।